दोस्तों, सांप एक ऐसा जानवर है जिसका नाम सुनते ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। पर शायद यही वजह है कि दुनिया में बहुत सारे जीव पाए जाते हैं, लेकिन सांपों का अपना एक अलग ही रुतबा है। सांप इस धरती पर डायनासोर के युग से मौजूद है, पर इतने लंबे वक्त में हम सांपों के बारे में बहुत सारी बातें जान भी चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद भी सांपों की दुनिया आज भी हमें बहुत रहस्यमय नजर आती है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी कि WHO के मुताबिक हर साल दुनिया में 54 लाख लोगों को सांप काटते हैं, जिनमें से 1.2 लाख लोग मारे भी जाते हैं, क्योंकि इनके पास इतना समय भी नहीं होता है कि वो पानी या तो हवा भी ले सके। दोस्तों, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि सांप एक ऐसे टॉक्सिक यानी कि जहरीले विष का यूज करता है जो किसी भी आदमी या जानवर को कुछ सेकंड में ही मौत की नींद सुला सकता है। सांपों का ये जहर लगभग लाखों सालों से विकसित है ताकि वो खुद की रक्षा कर पाए। लेकिन आज का हमारा सवाल है कि सांप आखिरकार चंदन के पेड़ पे ही क्यों रहते हैं? यानी कि वैसे तो जंगल में काफी सारे पेड़ मौजूद होते हैं, लेकिन सांप सिर्फ और सिर्फ चंदन के पेड़ पे ही लिपटे रहना क्यों पसंद करते हैं? तो आइए आज के वीडियो में हम सांप और चंदन के पेड़ दोनों के बीच के संबंध के बारे में कुछ जान लेते हैं। यूं तो आपने बहुत सारी किताबों में पढ़ा होगा कि सांप चंदन के पेड़ पे लिपटे रहना ज्यादा पसंद करते हैं, मगर क्या आप इस बात को जानते हैं कि सांप केवल और केवल चंदन के पेड़ पे ही क्यों लिपटे रहते हैं, किसी और पेड़ पे क्यों नहीं? यकीनन आप में से बहुत सारे लोगों को इसके पीछे की असली वजह नहीं पता होगी, पर इसीलिए आज के वीडियो में हम आपको वही वजह बताने वाले हैं। दोस्तों, जिन लोगों को लगता है कि सांप को चंदन के पेड़ की खुशबू ज्यादा पसंद होती है और इस वजह से सांप चंदन के पेड़ पे लिपटे रहते हैं, तो उन लोगों को बता दूं कि दोस्तों आप लोग बिल्कुल गलत हो, क्योंकि इसके बारे में तो वैज्ञानिकों ने काफी सालों पहले ही रिसर्च कर दिया था, और उस रिसर्च के मुताबिक सांप किसी भी चीज को सूंघ ही नहीं सकता। मतलब कि चंदन के पेड़ की खुशबू और सांप का उस पेड़ पे लिपटे रहना, उसे आपस में कोई संबंध नहीं होता है। इसका मेन रीजन ये है कि चंदन के पेड़ को काफी ज्यादा ठंडा माना जाता है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही समझा, सांप ठंड की वजह से चंदन के पेड़ पे लिपटे रहते हैं, और पेड़ से ज्यादा तो वो पेड़ की जड़ों पे ज्यादा पाए जाते हैं, क्योंकि चंदन का पेड़ जड़ों के पास से ज्यादा ठंडा होता है। इसीलिए आपने अगर चंदन के पेड़ को काटते हुए देखा होगा तो शायद आपको पता होगा कि चंदन के पेड़ को हमेशा ऊपर से काटा जाता है, क्योंकि काटने वाले को अच्छी तरह से पता होता है कि अगर ये पेड़ चंदन का है तो इसके जड़ों पे सांप तो जरूर होगा। तो आज की वीडियो हमारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और वीडियो पसंद आई हो तो इसे एक छोटा सा लाइक और शेयर जरूर करना। पर ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाना। मिलते हैं एक और नए वीडियोस में, तब तक के लिए गुड बाय।